Hi friends, let us see the exercise of syntax in article part. It means the part 12. You can see without taking any delay. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं जो एक्सरसाइज है आर्टिकल से संबंधित, जो आर्टिकल के रूल आपने पढ़े होंगे उससे संबंधित एक एक्सरसाइज है, तो इसको आज देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज फर्स्ट है, आर्टिकल से रिलेटेड है, पार्ट 12 है, तो देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इतने से 1 से लेकर 15 सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ आपको प्रत्येक सेंटेंस में जो गलती है वो छाटनी है, यानी कि ए एंड द मतलब आर्टिकल से संबंधित जो गलती होगी उस पर ही आपको टिक करना है और बाकी को सही करना है। ये इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखते हैं, द राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इन द साउथ। साउथ में, दक्षिण भारत में चावल का ज़्यादा प्रचलन है, चावल ज़्यादा अधिक मात्रा में खाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो द है ये आपका सुपरफ्लुअस है, द का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ क्या हो जाएगा, राइस इज द स्टेपल, यहाँ स्टेपल का मतलब है मेन, या जिसको आप हिंदी बोलेंगे प्रधान, है ना। तो चावल क्या है, दक्षिण भारत का एक प्रधान खाद्य है जो कि वहां पे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं, दा का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस कंडीशन में ये बात सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राइस दैट आई बॉट यस्टरडे इज बैड। अब यहाँ पे फ्रेंड बताना चाहेंगे, यहाँ तो राइस के पहले दा कट गया है, नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे द राइस के पहले लगेगा। कैसे, राइस, अब उस चावल की बात की जा रही है जो कि चावल, विशेष चावल की बात हो रही है, द राइस। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको शुद्ध कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे द राइस दैट आई बॉट यस्टरडे, मतलब जिन चावलों को मैंने कल खरीदा इज बैड, वो खराब हैं। तो उन खराबी के कारण उन चावलों की विशेषता बताई गई है, तो यहां पे दा का प्रयोग आप करेंगे तब ये बात सही होगा। और इसके बाद आगे देखते हैं, द कार्स आर मेड इन इंडिया, मतलब जो कारें हैं वो भारत में बनाई जाती हैं, है ना, कॉमन बात है, कार जो है भारत, कारें जो है भारत में बनाई जाती हैं। तो यहां पे दा नहीं लगेगा, ये दा जो हमारा है ये हमारा सुपरफ्लुअस है, यहां पे दा का प्रयोग नहीं करेंगे और सीधा सा आंसर हो जाएगा, इसको एक कॉमन वाक बना देंगे। और जब कॉमन वाक जब कोई भी बनाया जाता है तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो हो जाएगा कार्स आर मेड इन इंडिया, कारें जो हैं भारत में बनाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं, आई एंजॉयड डिनर मिस्टर गुप्ता गैप में। यहां देखते हैं, आई एंजॉयड, मैंने आनंद लिया डिनर रात्रि भोज का, मिस्टर गुप्ता गैप में, मिस्टर गुप्ता ने जो मुझे भोजन करवाया रात्रि में आमंत्रित किया उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। अब यहाँ पे एंजॉय किया है तो यहाँ क्या करना है, आई एंजॉयड, तो यहाँ हो जाएगा जो डिनर करवाया है जिस, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले आप लगा देंगे द, है ना, तो ये वाक हमारा एकदम से सही हो जाएगा। इसके बाद आगे फ्रेंड्स देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, नंबर 5 पे, ही प्लेड द क्रिकेट एट स्कूल। बच्चों का प्रिय खेल होता है क्रिकेट, बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, है ना, तो क्रिकेट का जुनून विद्यार्थियों पे ज़्यादा सवार रहता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं उस दौरान। तो देखते हैं, ही प्लेड द क्रिकेट, और जानते हैं किसी भी स्पोर्ट, किसी भी गेम से पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो फॉल्ट है वो द में है, यहाँ पे ही प्लेड क्रिकेट एट स्कूल, अब ये बात हमारा सही हो गया है। इसके बाद देखते हैं, माई फ्रेंड इज गोइंग टू USA फॉर हायर स्टडीज, हमारा मित्र है वो अपर शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए USA जा रहा है, और USA जा रहा है तो आपने पढ़ा होगा USA यहाँ पे लिखा गया है, तो USA का मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो
तो ये कई स्टेट मिलकर के यूनिट करके आए हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द, यूएसए के पहले लगा देंगे द। जिस प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश भारत में पंजाब पड़ता है, पंजाब, तो इसको खाली पंजाब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे द पंजाब लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी पंजाब को लिखेंगे तो द पंजाब करके लिखेंगे, क्योंकि पांच नदियों का समूह है पंजाब क्षेत्र, इस वजह से। वही बात यहाँ पे लागू हुई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी प्रकार से इसको समझते हैं। तो अभी ये बात हमारा सही हो गया। आगे देखते हैं, एयर वाज बॉर्न टू द किंग, राजा के क्या हुआ है, उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी का मतलब एयर होता है, इसको एयर पढ़ते हैं एयर। और जब एक बार ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल को बेहतर समझने के लिए आपको हिंदी वर्णमाला आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं एयर ऐसा लिखा जाएगा एयर, और ए जो होता है जिसको हिंदी में एडी बोलते हैं, वो वॉवल्स में आती है, इस वजह से यहाँ पे एन आ जाएगा, क्योंकि स्वर शब्दों से पहले एन का प्रयोग होता है। ऐसा कर देंगे तो ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं, वी हैव नेवर हैड ए सच हॉट समर, इसमें क्या गलती है, वी हैव नेवर हैड सच ए, तो सच सच के बाद ए और सच के बाद एन आता है, तो ये गलती है, यहाँ पे ए हटा देंगे और सच के बाद यहाँ पे लगा देंगे, तब ये वाक्य हमारा ठीक हो जाएगा। अगर देखते हैं, चाइल्ड क्राइस व्हेन ही इज हंगरी, एक बच्चा तभी रोता है जब वो भूखा होता है, तो यहाँ पे चाइल्ड क्राइस, अब यहाँ देखते हैं चाइल्ड क्राइस लिखा है, तो यहाँ एक बच्चे की बात हो रही है, तो आप ए लगा दीजिए यहाँ पे, ए चाइल्ड क्राइज व्हेन ही इज हंगरी, कहावत भी होती है कि एक बच्चा तभी रोता है जब उसको भूख लगती है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आई एम गोइंग टू डिले बाई द ट्रेन, तो यहाँ देखते हैं हमारी गलती कहाँ पे है, आई एम गोइंग टू डिले, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, बाई द ट्रेन नहीं होगा, ठीक है। जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो आर्टिकल ये नहीं आएगा, ये फ्रेज है, और ये दा जो है सुपरफ्लुअस है। अब ये ठीक हो गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग टू डिले बाई ट्रेन, ना कि बाई द ट्रेन, क्लियर। आगे देखते हैं, रवि इज टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, जो क्लास है, जो कक्षा है, उसमें रवि जो है वो सबसे लंबा लड़का है, टैल लड़का है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, और सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक आर्टिकल द बिफोर इट, है ना। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है वो अपने पहले आर्टिकल द लेती है, ये नियम है, अगर ऐसा कर जाते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो अकेडमिक एग्जाम हो या कम्पिटेटिव एग्जाम हो, आर्टिकल से संबंधित जब भी क्वेश्चन बनते हैं विद्यार्थी उसमें फंसी जाती हैं, इस वजह से इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के बना लें और इसको बड़े ध्यान से समझ लें इसको, और यदि कहीं दिक्कत होती है तो वो आप पूछ भी सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, ही कैन प्ले सितार वेरी वेल, वो सितार बहुत अच्छी तरीके से बजा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सितार एक वाद्य यंत्र है, और ऐसी कंडीशन में इसके पहले दा आ जाएगा, जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि हारमोनियम है तो दा हारमोनियम हो जाएगा, या गिटार है या कोई भी वाद्य यंत्र है उसके पहले हमेशा आर्टिकल दा लगता है, तो यहाँ पे दा लगा देंगे, अभी यहाँ पे हमारा ये बात ठीक हो जाएगा। अगर देखते हैं, आई लिव इन द मिंट स्ट्रीट, मिंट मीन्स पुदीना वाली गली में, आई लिव में रहता हूँ, इन द मिंट स्ट्रीट इन चेन्नई, चेन्नई में मिंट वाली गली में रहता हूँ, तो गली जो मिंट है वो खास गली नहीं है, सामान्य गली है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा, आंसर आपका हो जाएगा आई लिव इन मिंट स्ट्रीट इन चेन्नई, ऐसा कर देंगे तो आपका आंसर एकदम से ठीक हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है,
देखते हैं जल्दी से. ही लुक्स एज स्टूपिड, वो वैसे ही मूर्ख दिखता है. एज ए आउल, जिस प्रकार से उल्लू होता है. तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आउल है ना, आउल तो ये बड़ा आ है ना, तो यहाँ पे बॉबेल आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, ये गलती है. और इसके बाद आगे देखते हैं, आई हैव एन वन रूपी नोट. तो यहाँ पे देखते हैं आई हैव, यहाँ पे भी वो लिखा है, लेकिन यहाँ जब इसको हिंदी वाला नाम लिखेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो वाह वकील जो आता है, जिसको आप वाह वकील या वाह वट कहते हैं हिंदी वर्णमाला में, वो कंसोनेंट है. तो इस वजह से यहाँ पे एन ए आएगा, ना कि एन आएगा. आई हैव ए वन रूपी नोट. और ऐसा कर जाएंगे तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएंगे. और आज का मटेरियल जो है वो आज यहीं तक है, शायद है आपको समझ में आया होगा. और इससे यदि आपको ये सब अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आपका दिन मंगलमय हो. थैंक यू वेरी मच.